हेलो फ्रेंड्स माए साहब डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई एन टी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे नोज से रिलेटेड एक कॉमन प्रॉब्लम डिवेटेड नोज डिफॉर्मिटी डिफॉर्मेटी प्रॉब्लम दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे दोस्तों सबसे पहले जानेंगे क्या है डेविटेड नोज और क्या है डेविटेड नोज प्रॉब्लम दोस्तों जो गोड ने अपना नोज बनाया है वो अपना नोज है वो अपने चेहरे का एक सेंट्रल पार्ट होता है दैट मीन्स द नोज दैट शुड बी मिड लाइन नोज जो है अपने चेहरे को एग्जैक्ट दो पार्ट में डिवाइड करता है नोज क्या है सेंट्रली एंड एक स्ट्रेट मैनर में सिचुएटेड होता है जब नोज स्ट्रेट मैनर में नहीं होके नोज वन साइड में जो है शिफ्टेड होता है आइदर राइट साइड और द लेफ्ट साइड दैट इज़ ए डेविटेड नोज प्रॉब्लम सो इसमें भी दो डिफॉर्मिटी होती हैं अगर नोज मिड लाइन में नहीं होके वन साइड में नोज डेविटेड है एंड नोज का जो डोरसम है नोज का जो अपर पार्ट है दैट इज़ स्ट्रेट दैट मीन्स ए डिविटेड नोज बट समाइम्स आपने देखा होगा बहुत बार नोज जो है अपना मिड लाइन से दोस्तों शिफ्ट होता है बट दैट आइदर द सी सेप्ट और आइदर द एस सेप्ट नोज का जो ये डोसम पार्ट है ये कर्ड होता है या तो सी सेप्ट होता है या दैट इज द करूकड नोज डिफॉर्मिटी इन मेडिकल लैंग्वेज दैट इज द क्रोकड नोज डिफॉर्मिटी सो दोस्तों दिस इज द डिटेड नोज एंड द द्रोकड नोज प्रॉब्लम नाउ वट इज द कोजेज ऑफ द क्या कारण है क्रूकड नोज डिफॉर्मिटी दोस्तों जो मोस्ट कॉमन जो रीज़न है क्रोकट नोज़ और डेविटेड नोज का वो है ट्रॉमा उम्र के किसी ना किसी हिस्से में न्यूबोन से लेके बड़े तक कहीं ना कहीं मे बी ट्रॉमा के कारण डेविटेड नोज होता है बहुत बार जो है डिलीवरी के दौरान बच्चे की नोज पे ट्रॉमा होता है हो सकता है बचपन में बच्चा पलंग से गिर गया हो क्रिकेट बॉल इंजरी हो गई हो कोई एक्सीडेंट हो गया हो कोई फुटबॉल इंजरी हो गई हो और बहुत बार फाइटिंग के भी ट्रॉमा हो जाता है ट्रॉमा एक कॉमन रीज़न है एंड सेकेंड कंजनाइटल यानी बहुत बार क्या है कोई ट्रॉमा नहीं होता बट जात जो उसका बोन का जो डेवलपमेंट है वही टेडा होता है उसके कारण भी ये जो है डेबिटेड नोज की समस्या होती है सो दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग वट इज़ द सिम्टम्स ऑफ डेबिटिड नोज दोस्तों सिम्टम्स जो डेविटेड नोज के हैं वो दो तरीके से होते हैं वन इज़ द कॉस्मेटिक अदर इज़ द फंक्शनल कॉस्मेटिक जो अपने को नोज़ में अपेयर होते हैं जो बाहर की तरफ होते हैं आपका जो नोज का जो मिडलाइन है ये क्या है सिफ्टेड होता है जो नोज है सी सेप्ट और एस सेप्ट होता है सो दैट इज़ द कॉस्मेटिक डिफॉर्मेटिव प्रॉब्लम दोस्तों सेकंड जो सिम्टम्स है दैट इज़ द फंक्शनल प्रॉब्लम फंक्शनल प्रॉब्लम दैट मीन्स जो नोज का जो फंक्शन है वो हैम्पर होता है यानी जो गोड ने जो नोज़ बनाया है बेसिकली अपने को सांस लेने के लिए तो पेशेंट को क्या है नेजर ब्लॉकेज प्रॉब्लम होती है बिकॉज जो नोज़ का जो अंदर बीच में एक सेप्टम हो जो नोज को दो पार्ट में डिवाइड करता है और जो नोज की बाहर की जो विकृति है जो उसका डिफॉर्मिटी है उसका जो स्ट्रक्चर का उसके कारण पेशेंट को क्या है नेजर ब्लॉकेज की प्रॉब्लम क्रिएट होती है सो so दोस्तों जो आपका डिविटेड नोज़ है दैट क्रिएट द बोथ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फंक्शनल एंड द कॉस्मेटिक सो द बॉथ प्रॉब्लम पेशेंट हैव इन द लाइफ नाउ व्हाट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द डेविएटिव नोज दोस्तों मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले उसका डायग्नोसिस होता है फिजिकल एग्जामिनेशन होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन से नोज़ का इंटीरियर एग्जामिनेशन कर लिया जाता है एंड पेशेंट का एक सीटी टी स्कैन कराया जाता है जिसमें अपने को एक्सटेंट ऑफ द डेविएसन है अंदर कितना जो है डेविएसन है उसका जो बाहर का जो बोनी वॉल्ट है वो स्ट्रक्चरल कितना डिफॉर्म्ड है ये सारी चीज़ें असेसमेंट करके एंड उसका एक डायग्नोसिस बनाया जाता है उसके बाद उसका मैनेजमेंट है दोस्तों इसका जो मैनेजमेंट है वो टोटली सर्जिकल मैनेजमेंट है एंड सेप्टोराइनोप्लास्टी एक सर्जरी होती है जिसके माध्यम से नोज को ठीक किया जाता है दोस्तों सेप्टोराइनोप्लास्टी जो सर्जरी है इसमें दोनों चीज़ें की जाती हैं द गोल ऑफ द सर्जरी फर्स्ट वी गेट इ ब्लॉकेज फ्री नोज़ यानी पेशेंट का जो फंक्शनल जो ब्लॉकेज है वो करेक्शन किया जाए सेकेंड जो पेशेंट की जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है यानी जो नोज़ डेविएटेड लग रहा है नोज एक तरफ जा रहा है नोज स्ट्रेट हो जाता है दोस्तों लोगों में एक बहुत मिथ है और बहुत डर के मारे इस सर्जरी को नहीं कराते लोगों को लगता है कि मेरे को बाहर से इसमें चीरा आ जाएगा या उनमें भ्रांतियाँ होती हैं कि नोज पूरा सीधा नहीं होता दोस्तों ऐसा नहीं है आ, जो सेप्टोराइनोप्लास्टी टेक्निक है विज्ञान के अविष्कार के बाद दोस्तों इंस्ट्रूमेंट और टेक्निक जो है इतनी हाई है कि हर चीज़ ऑलमोस्ट पॉसिबल है नोज फंक्शनली बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है उससे दोनों तरफ से इक्वल ब्रीदिंग आती है बाहर का जो लुक है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और इसके साथ जो और भी जो डिफॉर्मिटी है वो भी स्ट्रेट हो जाती हैं बट सर्जरी के बाद नोज़ के ऊपर एक छोटा प्लास्टर जिसको हम स्प्लिंट बोलते हैं वो लगाया जाता है दस दिन तक उसके प्लास्टर रहता है बट रूटीन अपना काम काज पेशेंट अपना कर सकता है एंड आफ्टर द टेन डेज वैन वी रिमूव द स्प्लिंट जब अपन उसका प्लास्टर हटाते हैं नो बॉडी कैन रिकगनाइज कोई ये नहीं पहचान सकता कि कहाँ से क्या किया हुआ है लोगों में एक दिमाग में एक मित होता है कि नाक पे बाहर से चीरा आ जाएगा निशान आ जाएगा दोस्तों ऐसा नहीं है और आप करीब उसमें जो है पूरा ठीक होने में जो है दस दिन बाद आप अपना रूटीन वर्क वगैरह सब कुछ कर सकते हैं बट आर्मी एक्सपीरियंट कोई एन डी ए जहाँ है वहाँ करीब एक महीने बाद आप अपना जा सकते हैं वहाँ पे आपको मेडिकली नोज के अनफिट नहीं होगा सो दोस्तों आई होप दिस ऑल इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू एंड यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दट डिबिटेड नोज प्रॉब्लम एंड दोस्तों जाते जाते इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना एंड दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले जिससे आने वाले अनेक उपयोगी वीडियोज़ की, की जानकारी आपको मिलती रही थैंक यू